घर वाले नाचे तो हम नाचना चालू करें ना, बेगानी साहब जादी में अब्दुल्ला दीवान हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ये सही है, सही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग आए हो, क्या सब मजे में होंगे? तो मॉर्निंग कुछ खतरनाक होने वाली थी, लेकिन खतरनाक ही हुई वैसे तो। रिकॉर्डिंग यार, इसका आवाज बंद करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग का। हट यार, सिट। अरे यार सिट, प्रैंकस्टर वाला वो सौ के होने वाला है। प्रैंकस्टर वाले, अच्छा वो बहुत चौकन्ने रहते हैं, वो लोग रात को भी सोते नहीं है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में अजीब देख, कुछ अजीब देखने को मिला। मेरी गाड़ी किसी ने चमका दी रात को, एकदम धूल वाली थी। और मैं कभी गाड़ी ऐसे धुलवाता नहीं हूँ, कभी सर्विस में देता हूँ तभी धुलती है गाड़ी। मैं नीचे आके उतरा, मैंने गाड़ी सामने रखा, देखा तो चमक रहा है। मैं अपनी गाड़ी है, वही नंबर देगा, वही टायर वायर सब चमक रहे। देखता भाई ये चमका के अंदर कुछ निकालना दिया। तो सारे बंदों को मेरी ओर से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलते आज का दिन कैसा रहता है पता नहीं, शुरुआत। हेलो गाइस, तो यहाँ पे वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही अमेजिंग गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम है रमी सर्कल। रमी सर्कल एक स्किल बेस्ड सेफ गेमिंग एप्लीकेशन है, जिसे खेल के आप बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। रमी सर्कल में 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स है, जिसमें आप कैश गेम खेल के बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉल नाम का ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपने जीते हुए पैसे तुरंत अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और रमी सर्कल पे रमी खेलना बहुत ईजी है। देखो मेरे फोन में तो कितनी मक्खन की तरह चलती है, तो वेट किसकी कर लो, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करो। और हाँ, पहले डिपॉजिट पे आपको मिलेगा 2000 रुपये तक का वेलकम बोनस। और हाँ, ये गेम आप नेटफ्लिक्स पे डाउनलोड करना, क्योंकि ये गेम की आपको लत भी लग सकती है। तो जल्दी से चलो, वीडियो भी बाकी है। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले। ये कौन घड़ी करेगा? तू। हाँ क्यों, मैं तो सोया नहीं हूँ। कल का है। हाँ कल का है, कल का रहने दिया मेरे लिए। हाँ सही है, कल मैं सोया था, कल का मेरा रहा हुआ था, तो अभी तक रहने दिया। यानी वो जुल्म कर रहे हैं यार ये घर वाले मेरे पे। मैं चाय पीने जा रहा हूँ, पहले ब्रश तो कर लूँ भाई। ऐसे कैसे चाय पी सकता हूँ ब्रश किए भी ना। तो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम निकलते हैं ऑफिस। चलो मम्मी, जय श्री कृष्ण। चलो मिलते हैं। हाँ रात को आने वाला हूँ, और रात को अपने को जाने का है डीजे में। सुबह मॉर्निंग में ही बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे ध्वजवंदन, तो तब तक तो हम उठे नहीं होते हैं। लेकिन आज तो मैंने अलार्म लगाया, उसके बाद मैं 1.5 घंटे बाद उठा, यानी 6 बजे का अलार्म था, तो मैं 7:30 बजे उठा आज। क्योंकि ऑफिस पे यार पता है ना, लेट ही हो जाता है, लोग बहुत लेट करते हैं, 2-2 बजा देते हैं। तो इसके लिए अभी देखते हैं, अभी ऑफिस पे मैं सोचूंगा अभी रुकूँ या ना रुकूँ, क्योंकि फिर सुबह का जो कंटिन्यूसली चल रहा है ना अपना 6 बजे उठने वाला, तो वो टूट जाएगा, तो सब मेरा शेड्यूल खड़वा जाएगा। तो देखते हैं अभी। आज तो मैंने हद ही कर दी भाई। आज सोच लो कि मैं क्या भूल गया होगा जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आज तो मैंने हड्डी कर दी। देख सकते हो भाई, ये चीज जिसके बिना मॉर्निंग नहीं होती, जिसके बिना कुछ नहीं होता, आजकल इसके बिना कुछ नहीं हो रहा, वो चीज मैं भूल गया, मोबाइल भूल गया भाई। आज तो हड्डी कर दी, मोबाइल कैसे भूल सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑफिस पे आ चुके हैं, आज पूरा कुछ, आज ज़रा सा भी मन नहीं कर रहा काम करने का, ज़रा सा भी, क्योंकि आज तो छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, कोई नहीं यार, कुछ दिन निकाल लेते। दिनेश भाई क्या है, गुड मॉर्निंग। क्या यार छुट्टी के दिन क्या चला आता है तू? हाँ भाई चल सटल गिरा, सही है। बैठो भाई, फटाफट काम करके यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि शाम को ऑर्डर पे जाना है, और ऑर्डर के बाद अपने को नाचने जाना है, ठीक है? तो चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं, निकलते हैं। आज क्या है पता है? नहीं, उनको पता है।
भाई इसके जैसा टसन होना चाहिए अपने पास, बहुत है ये भाई। तो चाय पे चर्चा, चर्चा में विषय ये है कि भाई बोल रहा है यार पैसे कमाने ही होते हैं, लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि पैसे पैसे क्या, पैसे लेके कहाँ जाने वालों। हाँ मारा जरूरत होती है पैसों की, लेकिन थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होना चाहिए भाई। हर चीज़ में पैसा 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 नहीं होता है, क्योंकि ये वक्त जो तुम्हारा है वो चला जाएगा, तो फिर एंजॉय कैसे कर पाओगे। तो थोड़ा एंजॉय भी कर लो, ओनली पैसे 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 नहीं कमाने हैं। तो यहाँ पे दोपहर की चाय आ गई है और अभी तक हमने खाना नहीं खाया है, तो यहाँ पे अपना काम खत्म होता है। तो अभी हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा बहुत खाना वाना खा के आते हैं, उसके बाद एक रिंग सेरेमनी खत्म करनी है अपने को, उसके बाद अपने एंजॉय करने जाएंगे डीजे में। यस आज रात को डीजे, इसीलिए मैं थोड़ा शांति से इधर बैठा हूँ। तो यहाँ पे अभी बाहर निकले, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, क्योंकि सीधा रात को खाना मिलेगा। अभी फाइनली आलू पूरी खा रहे हैं हम, क्योंकि और कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, दूर जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कॉल आ जाता, तो उसके लिए यहाँ पे ही खा लेते। दोपहर का खाना होता है डन, तो आलू पूरी खाई मस्त, एक सीजन वाली एक चीज़ वाली, तो यहाँ पे भी ख़त्म होता है। तो अभी जाते हैं वापस ऑफिस, लेकिन अपनी वाली चाय पी के जाएंगे। अरे यार एक बार में चालू नहीं हुई, यानी ये वापस किक मरवाएगी। हो गई भाई, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई चालू। कभी कभी है ना ये अपनी धंधा ना चालू नहीं होती है, तो उसकी बैटरी अभी चेंज करवा देते हैं, तो ये सब झंझट मारी अपनी जाए। फिलहाल हम मोटू का शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम वो मेरे भाई के वेडिंग में किया था, तो मेरी भी भरत बनती है उसकी वेडिंग में बना हो, तो रील की तरह थोड़ा रील बनाना है। तो मैंने बोला चलो थोड़ा शूट कर ही लेते हैं, तो वरना ऐसे दिखेगा मेरे को। मैंने बोला चलो कर देते हैं भाई, तो उसका कैमरा निकाल के हम शूट कर रहे हैं अभी फिलहाल। घर वाले नाचे तो हम नाचना चालू करें ना, बेगानी साहब जानी में अब्दुल्ला दीवान हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। सही है सही है सही, इसलिए हम भी नहीं नाच रहे हैं, हम कैसे नाच रहे हैं। एडिटिंग का टाइम हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा क्योंकि कल सुबह अपने को जाना है। तो फाइनली यहाँ पे घर पे पहुँच चुके हैं, और एक बहुत ही गंदा वाला स्कैम हुआ है, क्योंकि ये घोपड़ो लेके गया था मैं अभी संगीत में, तो यहाँ पे सब स्लोमो हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है सब स्लोमो में शूट हो गया, क्योंकि मैंने दूसरे को दिया था शूट करने के लिए, तो सब स्लोमो शूट हुआ है इसके अंदर। तो देखते हैं कितना स्लोमो है, कितना अच्छा है। फाइनली यहाँ पे आज का दिन ख़त्म होता है, तो सारे बंदों को बाय बाय, गुड नाइट, दिन तक बाय गाइस, यू भी सपोर्ट बनाए रखना, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।